हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं कि कैसे आप बैगन के प्लांट का केयर कर सकते हैं, कैसे आप अपने बैगन के प्लांट से ढेर सारा फूल से वेजिटेबल्स ले सकते हैं। सो मैं आपको उसके लिए बताऊं कि क्या क्या फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है, कैसे केयर करना है, कैसे आप उसे ग्रो करना है। सो आप देख सकते हैं हमारे बैगन के प्लांट यहाँ पर कितने सारे बैगन आ गए हैं। देखिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि बैगन की ग्रोथ के लिए आपको क्या क्या करना है। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ तीन इम्पॉर्टेंट, जो आप लोग के तीन इशू होते रहते हैं बैगन के प्लांट में। पहला, बैगन के प्लांट में जो भी फूल आते हैं वो गिर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। फिर दूसरा क्वेरी जो बहुत आता है मेरे पास कि बैगन में फूल ही नहीं आ रहे हैं, 3 मंथ 4 मंथ पुराने पौधे हो गए बट बैगन में जैसे ये सब जो आ रहे हैं ये फूल नहीं आ रहे, तो उसका क्या करना है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो बहुत होता है कि बैगन का जो साइज होता है, जैसे आप देख सकते हैं अभी ये छोटे छोटे से बैगन हो गए, ये साइज छोटा ही रह जा रहा है और ये बड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको तीनों चीज़ें ऑप्शंस बताऊँगी कैसे आप अपने पौधे को फूल जो आपके गिर रहे हैं वो नहीं गिरें, उसके बाद बैगन में जो फूल आ रहे हैं ठीक है उसका साइज कैसे बड़ा हो, जो आपकी जो ये देख सकते हैं बैगन, इसका आपको साइज कैसे बड़ा करना है उसके लिए, और आपको कौन सी खाद यूज करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैगन के प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम लोगों का ग्रो बैग है आप देख सकते हैं, ये हम लोग का 15x15 है। तो आपको क्या करना है, जब आप बैगन का जब पौधा लगाते हैं तो आपको 15x15 मिनिमम रखना है, नहीं तो 18x18 का ग्रो बैग लीजिए ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके जो सीड रहते हैं उसे आप डायरेक्टली मिट्टी में डाल दीजिए ठीक है, या तो आप उसके लिए सीडलिंग ट्रे यूज़ कीजिए। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप डायरेक्टली उसे जर्मिनेट कर सकते हैं सीड डाल के। जब आप सीड डालिएगा तो उसके लिए आपको 15 से 20 दिन वेट करना है, जब सीड से आपको छोटे छोटे से प्लांट आने लगेंगे राइट, जब छोटे छोटे से आपके सीड से प्लांट आने लगेंगे, तब जब आपके सीड से जब छोटे छोटे प्लांट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो हम लोग का 15x15 का ग्रो बैग लिया हुआ है तो आपको इसके बीच में इतना सा गैप देना है, मतलब एक हाथ का आपको गैप देना है दो प्लांट के बीच में ठीक है। तो आपको इसको एक प्लांट को आपको यहाँ लगा दीजिए, दूसरा प्लांट को आपको यहाँ लगा देना है ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि जो कि आपको बैगन का प्लांट लगाना है वो गर्मी के टाइम में लगाना है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका टेम्परेचर जो भी हो वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए आपका टेम्परेचर, क्योंकि ये गर्मी में आपको ढेर सारे सारे बैगन मिलेंगे। तो जब आप उसको प्लांट को आप यहाँ 15x15 ग्रो बैग में आप लगा देते हैं तो उसके बाद आपको इस पर वाटर देना है, और आपको इसे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपने तुरंत सीडलिंग से आपने ग्रो बैग में ट्रांसफ़र किया है तो राइट, सो आपको इसको कुछ दिन 2 या 3 दिन के लिए आपको शेडी एरिया में रखना है, जहाँ से आपको लाइट जो रहते हैं जो आपका वो जो सूर्य की रोशनी जो आपको सनलाइट मिलती है वो डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। जब 2-3 दिन जब ये प्रॉपर पौधे आपके अच्छे से हो जाएंगे फिर आप उसे फुल सनलाइट में रखिए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए आपको कि क्या क्या खाद यूज करना है, फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लिए यूज़ करना है, क्योंकि आपका जो भी बैगन का पौधा रहता है उसके लिए आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम चाहिए रहेंगे, फिर आपको कैल्शियम चाहिए रहता है, उसके लिए आप लोग क्या करना है। तो ये हम लोगों ने खाद लेके रखा है, जो फर्टिलाइज़र है जो हम अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे। सो आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने फर्टिलाइज़र लिया है, तो इसको आपको देना कैसे है वो मैं बताऊँगा, और ये फर्टिलाइज़र क्या क्या है। तो आप जब प्लांट को, जो ये हम लोग का जो प्लांट आपका जो है ठीक है, उसमें आपको फर्टिलाइज़र प्रॉपर देना था। ये हम लोगों ने लिया है गोबर का खाद। गोबर का खाद क्या होता है, जब आपको गोबर का खाद लेते हैं इसमें जितने सारे आपके जो NPK मिलते हैं राइट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितने भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको गोबर के खाद में मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने लिया है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपके प्लांट में फूल आते हैं और वो फूल गिर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मस्टर्ड केक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके मस्टर्ड केक के लिए रहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपका जो भी है ये बोन मिल है। बोन मिल का जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस आपको क्या करता है, प्लांट में जो भी फूल आते हैं, जो भी फ्रूट आते हैं, जो ना छोटे छोटे से आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये फ्रूट है, इसके साइज को ग्रो करने के लिए आपको कैल्शियम जरूरी है।
फास्फोरस जरूरी है। जैसे आपको आप अपने शरीर के लिए आपको ढेर सारे न्यूट्रिशंस जरूरी होते हैं, वैसे ही प्लांट के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं। सो ये हम लोगों ने न्यूट्रिशंस ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूट्रिशंस देना कैसे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे अच्छे से दोनों हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको कि आपको इसे मिक्स करना है। और जो हम लोगों ने न्यूट्रिशंस दिया था ये आप देख सकते हैं, आपको 50% जो देना है वो गोबर की खाद, 50-70% आपको गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद नहीं मिले तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए। 1-2 मुट्ठी आपको जो भी आपका जो मस्टर्ड केक है वो 1-2 मुट्ठी देना है, और 1 मुट्ठी आपको बोन मील देना है क्योंकि आपके प्लांट के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे देना कैसा है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों ने अपना फर्टिलाइज़र इसे मिला लिया है, ठीक है। अब इसको फर्टिलाइज़र को देना कैसे, आप इसे उठा के डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकते, यहाँ पे मिट्टी में डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको इसके न्यूट्रिशंस आपके इसके रूट सिस्टम में देना है। तो रूट सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं ये छोटा सा लिया हूँ, इसके हल्का हल्का सा गुराई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी रूट है, जैसे आप देख सकते हैं ना, है देखिए यहाँ पर रूट है, ये रूट आपके दिखने लग जाए हल्का सा। तो पहले मैं इसे हल्का हल्का गुराई कर देता हूँ। और आपको इतना सा जो आप यहाँ पर अगर आप प्लांट लगाएं तो इतने दूर गुराई मत कीजिएगा, क्योंकि आपके रूट बहुत होते हैं, आपको इसके बगल बगल में गुराई करनी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करनी है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ढेर सारा रूट है। तो देखिए देखिए ये हम लोग के जो रूट सिस्टम है, तो इसमें आपको यहाँ रूट सिस्टम में जब आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसे गुराई कर दिया हल्का फुल्का, आप भी हल्का हल्का गुराई कर दीजिए। और आपको जब भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देना है वो हमेशा याद रखिए आप सुबह दीजिए, या तो फिर आप उस फर्टिलाइज़र को जो आप देते हैं वो शाम में दीजिए। धूंध पूरी जब आपके सनलाइट रहते हैं धूप, उसमें आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे गुराई कर दिया है अच्छे से, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो क्या कीजिए, ये हम लोगों ने 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र लिया और इसके जड़ पे देना है, ठीक है, रूट सिस्टम पे, ठीक है। देखिए ये हम लोगों ने फर्टिलाइज़र रूट सिस्टम पे दे दिया है। और अब आप इसे क्या करना है, इसे मिट्टी से ढक दीजिए। तो देखिए मैंने इसे मिट्टी से प्रॉपर ढक दिया है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है इसमें कि आपको वाटरिंग कैसे करनी है, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपको इसको आपको जब इसमें फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो आपको वाटरिंग कैसे देनी है। तो ये हम लोगों ने वाटर कैन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये आप भी वाटर कैन ले सकते हैं। और इसे क्या करना है, हल्का हल्का देना है, इसे एकदम हल्का हल्का देना है। और ज़्यादा वाटरिंग आपको नहीं करनी है, जब आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दिए हैं तो इसे हल्की वाटरिंग कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि जब आप इसमें हल्की वाटरिंग करेंगे ना तो ये प्रॉपर फर्टिलाइज़र उनके रूट सिस्टम पे, जो प्लांट का रूट सिस्टम है ना वहाँ पे जाएगा। तो आप इसे प्रॉपर हल्का हल्का वाटरिंग कीजिए, जिससे कि वो धीरे धीरे आपके प्लांट में आ जाए, राइट। तो ऐसे ही आपको अपने प्लांट की केयर करनी है। जब आपको बैगन से ढेर सारा फूल चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस दीजिएगा तो जो आपके फूल बनते हैं वो कभी आपके फूल नहीं गिरेंगे। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे कहाँ पे फूल बन रहे हैं। सो देखिए ये हम लोग के यहाँ पे भी फूल आ रहे हैं, राइट। यही फूल आप लोगों का गिर जा रहा होगा, तो इस ये फूल नहीं गिरे इसके लिए आपको मैंने बताया कि कैसे फर्टिलाइज़र देना है आपको। और फर्टिलाइज़र जो रहते हैं ना उसको हर 15-20 डेज में रिपीट कीजिए। जैसे अगर आपने बोन मील और मस्टर्ड केक दे दिया तो वो आपको 30 दिन के बाद रिपीट करना है, बट आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद है ना उसे 1-1 मुट्ठी लेना है, और उसे आपको हर 15-20 दिन में यू देना है। जब आप हर 15-20 दिन में देते हैं तो आपको प्रॉपर आपका प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल जाता है। सो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरे प्लांट में कितने सारे यहाँ पे आपको बैगन दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा बैगन आ गया है, ठीक है।
आप यहाँ देख सकते हैं, एक छोटा सा बैगन आपको यहाँ भी दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए ढेर सारे बैगन हैं। आपको मैं अब आपको और दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम लोग ढेर सारे बैगन आ गए हैं। देखिए यहाँ पे एक बैगन बड़ा हो गया है, फिर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बैगन वहाँ पे भी है, राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी हम लोग के ढेर सारे बैगन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये भी है, फिर आप देखिए इधर ये छोटे से बैगन आ गए हैं। आप वहाँ पे देख सकते हैं एक बड़े से बैगन वहाँ पे आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये वाला हम लोग का वाइट बैगन है। सो ये भी हम लोग के वाइट बैगन आ गए। सो आप भी क्या कीजिए, आपको भी अपने प्लांट से ढेर सारा वेजिटेबल चाहिए तो आप प्रॉपर उसे न्यूट्रिशन दीजिए, फर्टिलाइज़र दीजिए, जो आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा। सो आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।